आपने फाइवर पर गिग तो बना ली है लेकिन प्राइसिंग आपको परेशान कर रही है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग फाइवर की गिग पर प्राइसिंग, जिसे स्कोप एंड पैकेजेस भी बोला जाता है, उसको कैसे सेट कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गिग की कैटेगरी के रिलेटेड कौन सी प्राइसिंग अच्छी होती है। प्राइसिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। ज़्यादा बिगनर जब आप होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि प्राइसिंग में ये वाला ऑप्शन है तो इसका क्या मतलब है, और इसको कैसे सेट करना चाहता है, और किस पर कितने ऑर्डर मिलते हैं, और सब जो है ना प्राइसिंग में कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं। तो चले हैं सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक बिगनर गाइड, बिगनर से प्रो गाइड के कैसे आप लोग अपनी फाइवर की गिग की प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं ताकि आपके गिग अच्छे से पब्लिश हो सके। जैसे ही आप लोग अपनी फाइवर की गिग को एडिट करेंगे तो स्कोप एंड प्राइसिंग यानी कि प्राइसिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक बात ज़हन में रखनी है, वो है आपकी गिग की कैटेगरी। जो आपकी गिग की कैटेगरी होगी उसी से रिलेटेड ही आपकी फाइवर की गिग की प्राइसिंग आएगी। जैसा कि ये देखें, ये वाली गिग हमारी किस से रिलेटेड है, डाटा और डाटा एंट्री से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दूसरे ऑप्शन प्राइसिंग पे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने ना यहाँ पर ये देखें, इसको ऑन कर लेना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये ऑफ होता है तो एक पैकेज आता है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तीन पैकेज आ जाते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इनके बारे में बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ये हमारी प्राइसिंग। इसमें सिर्फ तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, प्राइसिंग, रिविजन और आवर्स ऑफ पर वीक। इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि कुछ लोगों के ज़्यादा आते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी गिग दिखा देता हूँ, ये देखें, ये गिग किससे रिलेटेड है, वर्डप्रेस यानी कि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। और अगर हम इसकी प्राइसिंग में जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कितने ज़्यादा ऑप्शन हैं, उसके सिर्फ इसके जो है ना वो सिर्फ तीन है ना, और इसकी प्राइसिंग में देखें, ये देखें, ये देखें कितने ज़्यादा, मतलब 10 से भी ज़्यादा है उसके तीन और इसके इतने ज़्यादा। क्यों क्यों? क्योंकि इन दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि कैटेगरी से रिलेटेड ही आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक का मतलब होता है सबसे छोटा, स्टैंडर्ड दरमियाना और प्रीमियम सबसे हैवी। इनके सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पैकेजेस के नेम देने होते हैं, या आप इसी को भी उठाकर नीचे रख सकते हैं अपने में, बेसिक का नेम भी बेसिक और स्टैंडर्ड का नेम भी स्टैंडर्ड। ये जो है ना यूज़र बायर को नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको नज़र आता, बायर को ये वाला नज़र आएगा। तो या आप अपनी मर्ज़ी के रिलेटेड भी रख लेते हैं, कुछ लोगों ने इसका नेम भी बेसिक रखा होता है, इसका स्टैंडर्ड और इसका प्रीमियम, और कुछ लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड किया हुआ होता है। तो अब जरा हम नीचे चलते हैं तो इनके जो है ना प्राइसिंग भी ऐसी लिखी होती है, बेसिक की सबसे छोटी, प्रीमियम की सबसे ज़्यादा और स्टैंडर्ड की दरमियानी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसकी लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है अपने बेसिक में। जैसा कि हम कह रहे हैं बेसिक में हम 3 घंटे काम करेंगे डेटा एंट्री के, और स्टैंडर्ड में हम करेंगे 5 घंटे काम, और प्रीमियम में हम करेंगे 8 घंटे काम। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिलीवरी, यानी कि कितने दिनों में अगर कोई बंदा आपको ऑर्डर करे तो बेसिक ऑर्डर करे तो कितने दिनों में हम मुकम्मल करके देंगे। हम कहते हैं बेसिक 1 डे में, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक 1 डे ही रखें ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा मिले, और ये वाला जो है हम 4 डे में, और स्टैंडर्ड जो है वो हम 6 दिनों में मुकम्मल करके देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर भी लिखते हैं कितने घंटे, यहाँ पर हमने 2 घंटे लिखे हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, वैसे ऊपर हमने 3 घंटे दिए, तो यहाँ पर भी हम जो है ना वो 3 घंटे दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं एरर सा आ रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद रिवीजन, रिवीजन का मतलब होता है कि दोबारा एडिट करके देना, यानी कि हमने ये फ़ाइल क्लाइंट को दी तो वो कहता है यार ये मुझे अच्छी नहीं लगी, इसमें चेंजेस कर दो, इसको एडिट करके दोबारा मुझे सेंड करो। अगर एक दफ़ा सेंड करेंगे तो रिवीजन एक होगा, दो दफ़ा करेंगे तो दो, तीन दफ़ा तीन, इससे रिलेटेड मतलब रिवीजन कितनी दफ़ा आप दोबारा दोबारा मुझे अगर ख़राब हुई फ़ाइल तो एडिट करके दे देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से जो है ना वो अनलिमिटेड ही रखें। यहाँ पर ये देखिए अनलिमिटेड होता है, और इसमें भी कोशिश करें कि अनलिमिटेड रखें, इसमें भी कोशिश करें कि अनलिमिटेड ही रखें। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपको ऑर्डर देगा वो समझेगा यार अगर मुझसे फाइल गलत हो गई तो ये मुझे जितनी दफ़ा मैं चाहूँ दोबारा एडिट करके दे सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो ये रखें, प्राइस बिगनर हैं तो $5 ही रखें, और जो है ना इससे बिगनर नहीं है तो ज़्यादा कर दें। अब देखें यहाँ पर इसने लिखा हुआ कि पैकेजेस प्राइस जो है ना वो इंक्लूड कम से कम $20 होने चाहिए, इसीलिए जैसा कि आपने देखा हमने ऐड किया तो हमने 20, अब देखिए 5 लिखेंगे ना, लिखा तो गया है लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ वो 20 कर देता है, तो वो कहता है कि कम से कम $20 होनी चाहिए, इसकी कम से कम 25 और इसके हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप $5 ही रखें,
यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरीके से अगर आपके गिग के ये चीज़ें हैं तो आपने देख लेनी होगी, नंबर ऑफ पेजेस का मतलब होता है कि कितने पेजेस का, कितने रिविजन का मतलब आपको बता देता हूँ, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये वर्डप्रेस में होता है, और डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव कॉन्टेंट अपलोड होता है। अब देखें यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इन्होंने बताया हुआ कि प्रीमियम में हम ये चीज़ देंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और स्टैंडर्ड में भी देंगे, लेकिन बेसिक में क्योंकि $5-10 का होता है हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं देंगे, और कंटेंट अपलोड भी हम जो है ना वो बेसिक में नहीं देंगे, और बेसिक में हम ये देखें पेमेंट इंटीग्रेशन भी नहीं देंगे, वो तो किसी में भी नहीं दे रहे, और ये सारी चीज़ें, ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये आप प्रीमियम में लगा दें, क्योंकि प्रीमियम की प्राइस हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखें, $500 ले रहे हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ $95, इसलिए इसमें बहुत थोड़ा कंटेंट जो है ना वो शुरू में लोग देते हैं, तो आप भी ऐसे ही करें, बहुत जो है ना थोड़ा कंटेंट दें ताकि आपको जो है ना ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से अच्छे ऑर्डर मिले। अब देखें इसका भी इसने बोला हुआ कम से कम $80 आप रख सकते हैं, लेकिन हमने 80 से भी ज़्यादा ही रखा हुआ है, 95 तक। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी कि स्कोप एंड प्राइसिंग क्या होता है, इसे सेट जो है ना वो कैसे किया जाता है। इसके बारे में कोई भी आपका सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इससे बाद जो है ना सेशन आता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज इन योर गिग ऑन फाइवर। एक्स्ट्रा सर्विस भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको समझते हैं कि कैसे करना है। तो अब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा सर्विसेज फाइवर की गिग पर कैसे लगाई जाती है, जिसके ज़रिए आपकी गिग को बहुत फ़ायदा मिलता है और वो बूम करती है, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें और सीखें एक्स्ट्रा सर्विसेज कैसे लगाई जाती हैं।